कुल्हड़ में पिया करो दोस्तों चाय, इसी बहाने देश की मिट्टी को चूमने का अवसर मिल जाएगा। एक शहर बसा है कुल्हड़ में, रांची सब उसे बुलाते हैं। एक शहर बसा है कुल्हड़ में, रांची सब उसे बुलाते हैं। चाय पिलाना घर हारे बाजी सब यही लगाते हैं। शहर की टपरी पर ना जाने कितने ट्यूशन बंक हुए, शहर की टपरी पर ना जाने कितने ट्यूशन बंक हुए। हर शाम शहर एक साथ दिखे, चलो मोराबादी जाते हैं, चलो मोराबादी जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मोराबादी ग्राउंड, जो कि रांची का बहुत ही फेमस ग्राउंड है। हर शाम यहां पे आपको लोग दिख जाएंगे, खास करके ये स्टूडेंट का हब है। साथ ही आप देख सकते हो कितने छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, यहां आपको खाने की हर एक चीज़ें मिल जाएगी। तो अभी आप लोग जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल सी जगह, आप देख सकते हो कितनी सारी दुकानें हैं और हम लोग यहाँ पर हैं मोराबादी ग्राउंड पर। जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक जगह जहाँ पे बहुत ही यूनिक तरह की चाय अवेलेबल है। आपको ये मोराबादी का ग्राउंड, मेरे लिए मोराबादी ग्राउंड सबसे रांची का सबसे फेवरेट जगह है। मैंने एक अपने और भी एक ब्लॉग में ये बात बताई हुई थी कि मुझे मोराबादी बहुत अच्छा लगता है और अब तो मोराबादी और भी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हो मेरा चैनल जिसका नाम है नीतीश एंड कुजीन। अभी मैं मोराबादी ग्राउंड में हूं, जो कि रांची में मोराबादी ग्राउंड है, बहुत फेमस है और यहां हम लोग आए हैं चाय पीने के लिए। और अभी आप देख सकते हो कि ये बहुत ही यूनिक टाइप का चाय यहां पे ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका नाम है तंदूरी चाय। यहाँ तंदूर का लगा हुआ है और इसमें ये मिट्टी का जो है पॉट छोटा सा, ये इसको तंदूर में पका रहे हैं। तो ये काफी हीट है और इसके बाद इसमें चाय बनाते हैं ये लोग। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसको आप लोग कितना देर तक पकाते हैं? एक दो घंटा इसमें पकता है। अच्छा, और इसका रेट है 20 रुपीज। 20 रुपीज। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग ये स्टार्ट किए हैं? दो महीना से। आपका नाम क्या है? विक्की। और तुम्हारा? शेखर। और आपका भैया? अच्छा, तो आप लोग तीनों ही रहते हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो काफी लोग पसंद कर रहे होंगे आपका चाय। हाँ। और एक दिन में आप लोग कितना कप चाय बेच लेते हैं? लगभग 400-500 कप। तो एक दिन में यहाँ 400-500 कप चाय बिकता है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। और इस चाय की कीमत सिर्फ 20 रुपया है। तो मोराबादी के आप फुटबॉल स्टेडियम के पास देख सकते हो इसका लोकेशन है। और ये है तंदूर चाय, काफी लोग पसंद कर रहे हैं और काफी टेस्टी भी है। तो चलिए हम लोग चाय पी के देखते हैं कि चाय कैसा है और इसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए फटाफट से ये लोग अभी एक चाय प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का बना रहे हो? दो बोले हैं। ठीक है,
कैसे रुपया कप है भैया? 20 रुपया। 20 रुपया? नहीं, और क्या क्या बनाते हैं आप लोग चाय के साथ साथ? चाय, कॉफी है। कॉफी है? कॉफी कैसे है? कॉफी 20 का आएगा, फिर 30 का आएगा। 20 रुपया और 30 रुपया का है। इसको कितना देर तक आप पकाते हैं? पकते ही रहता है, जब तक नहीं बनता है तब तक पकते ही रहता है। अच्छा, हर दिन कितना कप बेच लेते हैं आप चाय? हर दिन वही 400-500 कप। 400-500 कप? अच्छा, कब से आप लगा रहे हैं मोराबादी में? मोराबादी में 2 महीना से। 2 महीना से? हाँ। तो काफी लोग पसंद कर रहे होंगे आपका चाय, काफी लोग दूर दूर से पीने आते होंगे। हाँ। अच्छा, तो ये सारा तंदूर वाला चाय है। पूरा धुआं धुआं कर देने बाप कर देली बाप। रांची वाला हमको भी आता है कुछ कुछ, ये हमको दोगे? 10। ओके, तो अभी हमको मिल चुका है गर्मा गर्म चाय मिट्टी के कुल्हड़ में। वो कहते हैं ना, कुल्हड़ में पिया करो दोस्तों चाय, इसी बहाने देश की मिट्टी को चूमने का अवसर मिल जाएगा। तो अब एक बार देश की मिट्टी को चूमा जाए। बहुत ही टेस्टी है, और जब बारिश होती है ना स्टार्टिंग में, और उसके बाद जो मिट्टी का जो सौंधापन और जो खुशबू आता है वही इस मिट्टी में आ रहा है, और इसको पीने का बहुत ही अलग टेस्ट आ रहा है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ी सी सर्दी और जुकाम है, और मुझे लगता है इससे बेहतर दवाई और कोई नहीं हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा है, ख़ास करके इस कोरोना काल में तो बहुत ही अच्छी चाय है ये। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, एक बार प्लीज़ मोराबादी आओ तो यहाँ का तंदूरी चाय ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है, अच्छा है।